अस्सलामुअलैकुम जी, आज आप लोगों को कुछ न्यू डिफरेंट सा नज़र आ रहा होगा। हमेशा से आप मुझे केक बनाते हुए देख रहे होते हो, तो आज हम लोग एक ग्रैंड पार्टी यानी कि ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग ढेर सारे बलून जो हैं वो फुला रहे हैं कुछ अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि इसका जो पंप होता है ना वो मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया था ना उसमें भी बर्थडे वाला ही मैंने शेयर किया था और उसमें जो पंप था ना जो मैंने यूज़ किया था वो इस पर मुझे मिल ही नहीं रहा था। फिर हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इतने सारे बलून जो हैं वो फुला लिए हैं। थीम जो था वो कुछ रेड एंड गोल्डन पे था एंड केक जो था वो थोड़ा सा हम लोगों ने अलग से ही कर लिया था। तो आप लोगों ने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लास्ट में देखना है। साथ में आप लोगों को केक भी बताऊंगी कि ये वाला जो केक है ये हम लोगों ने किस तरह से बनाया था, क्योंकि ये बर्थडे सेलिब्रेशन आखिर हो किसकी रही है। अगर आप लोगों को कोई आइडिया है तो जल्दी से जाके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। यहाँ पे कुछ लाइटिंग्स वगैरह भी हम लोगों ने अरेंज की थी, यहाँ पे चेकिंग चल रही है कि हमारी लाइट्स जो है वो काम कर रही हैं कि नहीं। फाइनली यहाँ पे हम लोगों ने जो कुछ थीम सोचा था वो कुछ इस तरह से था कि हम लोग ऊपर कुछ इस तरह से फ्लावर बना के और ऊपर इस तरह से बनाएंगे एक पूरा पैटर्न सा, और साथ में ना मैंने कुछ वो कपड़े से लगा दिए थे कुछ दुपट्टे, लेकिन वो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा तो उसको हम लोगों ने बाद में हटा दिया। मुझे लग रहा था कि सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है ना वो इन बलून्स को फुलाना था, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था इसको इस वॉल के ऊपर लगाना। समझ नहीं आ रहा था क्योंकि हम लोग बहुत बार बर्थडे सेलिब्रेट कर चुके हैं और इसी तरह से बलून हम लोग लगाते थे, बट इस बार कुछ ऐसा हो रहा था कि वो लग ही नहीं रहे थे और बार बार गिरी जा रहे थे, तो हम लोगों को री स्टार्ट ही करना पड़ रहा था। थक हार के भी मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं हो रहा। फिर खैर दो तीन और कारीगर बंदों ने अपना कमाल दिखाया लेकिन कुछ बना। काफी मेहनतों के बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि हम लोग इसको सॉरी धागे के साथ इसको बांधकर और फिर इसको यहाँ पे लगाते हैं, और फाइनली वो वाला जो था ना वो बेस्ट था बिल्कुल। फिर हम लोगों ने धागे से करके उसको लगा दिया। यहाँ पे ही हम लोग हैप्पी बर्थडे वाला जो टैग है उसको रेडी कर रहे थे, यहाँ पे दूसरी सिस्टर रेडी कर रही है, साथ में यहाँ पे ये वाला ब्लूम वाला काम भी चल रहा है। इसके अलावा भी केक का भी थोड़ा सा काम रहता था और सिर्फ 2 घंटे थे, इतना सारा कुछ करना था हमने। तो फाइनली यहाँ पे नीचे फिर हम लोगों ने कहा कि हम ऊपर चलते हैं, हम लोग केक बना लेते हैं, और नीचे वो सारा कुछ अभी अरेंज हो रहा था। अभी जो आप लोग देख रहे हो ना ये वाला सारा काम जो है ना ये मैंने रात को ही करके रख दिया था, एंड नेक्स्ट डे जो मैंने काम किया था वो भी अभी आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पे क्रीम के अंदर मैंने क्या किया है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पिंक कलर ऐड किया है बिल्कुल लाइट सा, एंड थोड़ा सा ब्राउन कलर ऐड किया, एंड बहुत ही प्यारा सा ये वाला कलर जो है वो पीची सा कलर जो बन के रेडी हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, पूरे केक को इससे कवर कर दिया है, एंड यहाँ पर मैं ये क्रीम केक बना रही हूँ सॉरी क्रंच कैरेमल क्रंच केक बना रही हूँ। अंदर जो है इसके मैंने फिलिंग के लिए कैरेमल क्रंच यूज़ किया है, सॉस का यूज़ किया था, कैरेमल सॉस का यूज़ किया था, साथ में यहाँ पे मैं वनीला स्पंज का यूज़ किया। अभी जो आप लोग देख रहे हो ये 4 पाउंड का है, ठीक है, ये क्योंकि 2 टायर्स में मैं बनाने वाली हूँ ये वाला केक। मुझे मैं काफ़ी दिनों पहले से सोच रही थी कि मैं कैसा बनाऊँ, क्योंकि ये छोटू सी मेरी क्यूटू सी भांजी का केक था और मुझे बिल्कुल डिफरेंट सा कुछ न्यू सा ट्राई करना था कि उसकी जो बर्थडे ना वो एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त हो। मेमोरेबल बर्थडे के लिए मेमोरेबल केक भी तो होना चाहिए ना, तो कुछ उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वाला केक सोचा था, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैंने सोचा था सेम वैसा बन गया था। अच्छा यहाँ पे आप लोगों को इसकी डिटेल बता देती हूँ, ये मैंने इसके अंदर ना 2 पाउंड के 2 स्पंज यूज़ किए हैं, एंड जो सेकेंड वाला होगा उसके अंदर मैंने 1 पाउंड के 2 स्पंज यूज़ किए हैं, यानी कि टोटल ये जो था ये मैंने कितने पाउंड का था ये टोटल, यानी कि 4 पाउंड एंड 2 पाउंड 6 पाउंड का टोटल केक था। तो ये इसके अंदर मैंने 1 पाउंड के 2 स्पंज यूज़ किए थे, यानी कि 6 इंचज़ के मोल्ड में इसको बना के मैंने रेडी किया था, एंड जो 2 पाउंड वाला स्पंज मैंने बनाया था वो मैंने बनाया था 8 इंचज़ के मोल्ड में। अच्छे से दोनों को मैंने फाइनलाइजिंग कर ली है और इसको मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे रेनबो जो था ना ये भी मैंने पहले ही एडवांस में बना के रख लिया था, और यहाँ पर इस तरह के 2 हमें ये वाले राउंड से सर्कल से चाहिए। आप लोगों के पास जो भी हो कुकी वाला कटर हो या जो भी हो उससे आप लोग उसको कटिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे रेनबो बनाने के लिए मैंने ढेर सारे कलर्स बना के रेडी कर लिए हैं फाउंडेंट के साथ, और येलो कलर, ब्लू कलर, एंड ये ग्रीन सा कलर कह सकते हैं, पिंक कलर, एंड लाइट, सारे जो कलर्स थे ना वो मैंने लाइट ही यूज़ किए थे ताकि बहुत ही अच्छा सा रेनबो वाला इफेक्ट बने। रेनबो बनाने की ट्रिक भी मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बता दी है बहुत ही सिंपल तरीके से। ये देखिए जी कुछ इस तरह से आप लोगों ने पहले रोल कर लेना है, देन आप लोग कोई भी ग्लास ले लो,
या इस तरह कोई भी कुकी कटर ले लो, जो भी आप लोगों के लिए इजी रहे। तो उस पे आप लोगों ने इस तरह से ये रोल करते जाना है एंड देन वन बाय वन करते हुए इसके साथ ये रेनबो अटैच करते जानी है। एंड आप लोग लास्ट रिजल्ट देखिएगा, अगर आप लोग ऐसे ही इसको रख देते तो वो इतनी अच्छे से शेप नहीं बनती। अगर आप लोग ये वाली टेक्निक फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छे से इसकी जो शेप है ना वो बन जाएगी एंड आप लोगों को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी इसको सेट करने के लिए। तो इसी तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा सा फाउंडेंट लेते हुए इसको रोल करती जा रही हूँ एंड ये रेनबो हम लोगों ने तीन रेनबो बनानी है। एक मैंने बड़े साइज़ की बनाई थी, एक थोड़ी उससे छोटा था और एक उससे छोटा था, यानी कि इसको मैं खुद से अरेंज करने वाली हूँ। जहाँ पे भी मुझे अच्छा लगा वहाँ पर हम इसको अरेंज कर देंगे। अभी यहाँ पर आप लोगों के सामने नीचे जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसको मैंने कट कर दिया, वो आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। पीछे वाली जो है वो ज़्यादा बड़ी मैंने साइज़ में बनाई है एंड अभी जो मैं कर रही हूँ ना कट कर रही हूँ ये मैंने थोड़ी सी छोटी बनाई है। इसको छोटी बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसको थोड़ा सा बेंड कर देना है अंदर की साइड पे तो ये छोटी हो जाएगी। या फिर कोई छोटी चीज़ आप यूज़ कर लो, जैसे कि अभी भी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैंने छोटा सर्कल यूज़ किया है ताकि इसकी रेनबो की जो शेप है वो थोड़ी छोटी बने। अगर आप लोगों ने बड़ी बनानी है तो आप लोगों को बड़ा कोई बड़ी कोई चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी रेनबो बनाने के लिए। अभी फटाफट से ये तीनों रेनबो तो हमारी बन चुकी हैं। अभी मैं नेक्स्ट डे देखूंगी कि इसके पीछे मुझे चॉकलेट लगानी पड़ेगी या फिर ये ऐसे ही ठीक रहेगा। अगर ये अच्छे से ड्राई हो गया तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ये अच्छे से ड्राई नहीं हुआ तो फिर इसके पीछे हमें चॉकलेट का यूज़ करना ही पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये फ्लावर्स आप लोगों के सामने भी मैं सारी जितनी भी बची हुई है ना फाउंडेंट वो मैंने कुछ इस तरह से एक फ्लावर की शेप में दे दी है एंड मैं ट्राई करी थी कि इससे ही मैं ना वन लिख दूँ, क्योंकि वो माशाल्लाह एक साल की हुई है अभी और बहुत क्यूट सी है। लास्ट में मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को दिखा दूं। तो यहाँ पे देखिए जी, वन लिखने के लिए मैंने कुछ इस तरह से फाउंडेंट को बना लिया था, ठीक है। एंड ये इस तरह से अच्छा लग रहा था लेकिन ना इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट ना होता अगर मैं केक के ऊपर ऐसे ही लगा देती। फिर मैंने ये और अपना प्लान जो था वो कैंसिल कर दिया था एंड उसकी इसकी जगह मैंने क्या लगाया वो भी अभी बताती हूँ आप लोगों को। लेकिन अगर मैं ये भी लगा देती तो ये भी अच्छा लगता, बस इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट ना होता। फाइनली यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ केक टावर का। यहाँ पर ये वाले जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना ये है जी पेपर वाले, ठीक है। अगर आप लोग दूसरे वाले यूज़ करते हो तो दूसरे वाले भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरा जो काम है ना वो इसी से अच्छे से हो जाता है तो मैं इसी से यूज़ कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे ये वाला आप लोग देख लो जी, ये 5 इंचज़ का आई थिंक था या 6 इंचज़ का ये सर्कल वाला प्लेट थी मेरे पास जो मैंने इसके ऊपर रख दिया और इसके ऊपर सेकेंड वाला हमारा पोर्शन जो है वो आ गया। अच्छा, इसको ज़्यादा हाइट देने के लिए ना मैंने यहाँ पे नीचे वाला जो था वो 4 पाउंड का रखा था एंड ऊपर वाला जो था वो 2 पाउंड का रखा था एंड बहुत ही अच्छी इसकी हाइट आ गई थी। ओके जी, फाइनली यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसकी डेकोरेशन की बारी आ जाती है। बहुत मेहनतों के बाद ये सारा हम लोगों ने रेडी कर लिया है और यहाँ पे कटिंग हो रहा है। वन नंबर के लिए मैंने ये वाली शीट यूज़ किया जो कि लास्ट टाइम मैंने वो अपने सिस्टर के साथ एक छोटू सा व्लॉग बनाया था जिसमें उसने और मैंने वो एक पंखुड़ी सी बनाई थी, तो ये वही वाली शीट मेरे पास पड़ी हुई थी और मैंने उसी का यूज़ किया। गोल्डन के साथ इसके ऊपर पिंक से आना बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली ये एक फ़ोटो जो मैंने सर्कल में करवाई थी और उस भाई साहब ने ना इसको स्क्वायर में ही रहने दी, जबकि इसको राउंड करके देन उसको उसने इस पर प्रिंट करना था। लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे जल्दी जल्दी भी बहुत थी क्योंकि अभी मैं ये जितना भी काम कर रही हूँ ना ये उसी टाइम पे कर रही हूँ जबकि हम लोगों ने केक कटिंग करना है। नीचे वो सारे बलून्स वगैरह लग रहे हैं और ऊपर हम लोग ये वाला जो इसकी डेकोरेशन बाकी रह गई थी वो कर रहे हैं यहाँ पे। इसके साइड्स के ऊपर मैंने एक वो राउंड वाला जो नोजल होता है ना उससे इस तरह से कुछ पर्ल्स से बना दिए हैं। आप लोग चाहो तो वो फाउंडेंट के पर्ल्स बना के भी लगा सकते हो, लेकिन ये इस तरह से जल्दी भी बन जाता है और अच्छा भी लग रहा है। ये दोनों रेनबोस आ गए हैं नीचे साइड के ऊपर और एक जो रेनबो मैं ऊपर लगा दूँगी। और यहाँ पे हम लोग क्लाउड बना रहे हैं। क्लाउड बनाने के लिए बड़े साइज़ का राउंड नोजल यूज़ कर रही हूँ एंड क्रीम फिलिंग से ही हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने ज़्यादा फाउंडेंट का यूज़ नहीं किया क्योंकि वो ज़्यादा खाया भी नहीं जाता एंड वो वेस्ट भी होना था, तो फिर इस तरह से भी ये ज़्यादा अच्छा लग रहे थे क्लाउड से बने हुए तो मैंने इसी तरह से इसको बना दिया। तीन क्लाउड्स जो हैं वो मैंने नीचे की साइड पर बना दिए हैं और ऊपर जो अभी हम लोगों ने रेनबो लगानी है, ऊपर जो रेनबो लगाई है ना उसके साथ मैंने चॉकलेट लगाई थी ताकि वो बहुत ही अच्छे से ऊपर खड़ा हो जाए। लेकिन वो फिर भी ना अभी क्योंकि मैंने अर्जेंट बेसिस के ऊपर इसके पीछे चॉकलेट लगाई थी वो इतना ज़्यादा अच्छे से ना चिल नहीं हुई थी तो इसलिए वो थोड़ी सी बेंड हो रही थी। अब यहाँ पर मैंने वुडन स्टिक का यूज़ कर रही हूँ ताकि स्ट्रेट खड़ी हो सके किसी तरह, और काफ़ी कोशिशों के बाद ये कुछ इस तरह से खड़ी हो चुकी है। पीछे एक मैंने केक टावर भी लगा दिया ताकि इसको और ज़्यादा अच्छे से स्पॉट मिल सके। ऊपर भी कुछ इस तरह से क्लाउड बना दिया, दोनों साइड्स पे इसी तरह से बना दूंगी और बहुत ही अच्छा बहुत ही खूबसूरत केक लग रहा था ये। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इतनी मेहनतों के बाद क्या हमारी मेहनत रंग लाई थी, आप लोगों को कैसा लगा ये वाला। ये एक लाजमी आप लोगों के कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा।
ये कुछ बटरफ्लाइज थी, ठीक है, ये भी मैंने इसके साथ ही लगा दी हैं, और ये वन नंबर कुछ इस तरह से लगा दिया ऊपर। फाइनली कुछ इस तरह से हमारा केक जो है वो रेडी हो चुका है। जस्ट हम लोगों ने इसके साइड्स के ऊपर ये स्प्रिंकल्स लगाने हैं एंड ऊपर जो वो बबल सा बन गया था, लेकिन खैर वो अभी क्योंकि हम लोगों ने घर में कटिंग करना है और अभी अभी कटिंग हो जाना है, तो इसलिए फिर मैंने उसको ठीक नहीं किया, उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। ओके जी, फाइनली कुछ इस तरह से हमारा केक जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी फाइनल दिखाती हूँ, अभी नीचे जो तैयारियाँ हो रही थी वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये एक टेबल आप लोगों ने नीचे साइड पे रख दिया है, उसके ऊपर कुछ इस तरह से ये वाला जो वाओ, ये वाला बहुत मज़े का था, कुछ इस तरह से इसको खोलना, पंख से इसको खोलना। ये मैंने मंगवा तो लिया था, फिर समझ में नहीं आ रहा था इसको लगाना कहाँ पर है। फिर फाइनली यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लगाया गया, और इसके साइड पे जो लाइटिंग आ रही थी ना, ये ग्रीन एंड पिंक कलर की, वो बहुत प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने अपना दिमाग लड़ाया और यहाँ पे कुछ ये वाले इस साइड पे और दूसरी साइड पे लगा दिया, और एक जो सारा वो सेंटर के अंदर लगा दिया। और क्योंकि यहाँ पर लाइट्स भी हम लोगों ने लगाई हैं, तो उस लाइट्स की वजह से ना ये बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा था। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी लाइट्स भी ऑन करके एंड पूरी लोकेशन दिखाती हूँ कि किस तरह से लग रहा था। ओके जी, यहाँ पे ये वाला हमारा केक आप लोग देख लो, बहुत ही खूबसूरत सा हमारा केक छोटू सी किट्टू सी बेटी के लिए रेडी हो चुका है। माशाल्लाह ताला इसको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, आप लोग भी दुआ कीजिएगा। खैर यहाँ पे एक हमारी कैंडल आ गई एक अदद, और नीचे वो जो था ना छोटू सा हैप्पी बर्थडे वाला वो टैग भी मैंने लगा दिया था। जो जो मुझे मिलता गया ना, मैं अर्जेंट पे इसके ऊपर लगाती गई। तो कुछ इस तरह से हमारे कैंडल्स ऑन हो चुकी हैं। अभी आप लोगों को इसी इसके अंदर देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसी एंगल में हम लोगों ने बना ली थी और कुछ पता नहीं चल रहा था। और फाइनली कुछ इस तरह से हमारा केक बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और छोटू सी किट्टू सी बेटी हमारी कट कर रही है केक को। आफ्टर केक कटिंग थोड़ी सी पिक्चर्स एंड वीडियो बनाते हुए और इसके साथ छोटू सी बच्ची के साथ खेलते हुए कि कुछ मैंने आप लोगों के साथ वीडियोज़ वगैरह शेयर कर दी है। कोशिश की थी कि मैं पूरा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, बट जितना मुझसे हो चुका मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों के लिए। एंड कुछ इस तरह से हमारी लोकेशन जो थी वो लग रही थी एंड बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, वीडियो से कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।